नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास और आप हमारे साथ आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच गए हैं, जहां हमने सरदार पटेल जी की इस प्रतिमा को दूर से देखा था। हमारा यहां जाने का स्लॉट चूंकि 2 से 4 के बीच का है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाने के लिए ऑनलाइन टिकट उपलब्ध होती है, उसमें अलग अलग समय के हिसाब से स्लॉट होते हैं। हमें 2 से 4 के बीच का स्लॉट मिला है और चूंकि अभी हमारे पास समय है, हम अहमदाबाद से सुबह निकले थे, हम यहाँ 10:30 बजे के आसपास पहुंच गए हैं और अभी कुछ 11:30 बज रहे हैं। तो अभी हमने निर्णय किया है कि हम जंगल सफारी जाएंगे और ये यात्रा हम यहाँ से आगे पिंक ऑटो में पूरी करेंगे। हम यहाँ पे अपने गुरु जी के साथ में पिंक ऑटो में बैठ गए हैं। हमारे ऑटो को यहाँ प्रवीणा बहन जी चला रही हैं। प्रवीणा बहन जी जरा इधर देखिए, देखिए ये प्रवीणा बहन जी ऑटो चला रही हैं। यहाँ पे यह एक बहुत ही सुंदर आयोजन है कि जो भी पिंक ऑटो हैं वो यहाँ महिलाएं ही चलाती हैं। वैसे मुझे याद है कुछ वर्षों पूर्व हमारे संस्कृत अध्यापक मंडल का अधिवेशन यहाँ केवड़िया कॉलोनी में रखा गया था। तब जब यहाँ आया था तो ये पूरा शांत वन प्रदेश था। वन प्रदेश तो आज भी है और ये शांत भी है, उसके पर्यावरण को अधिक क्षति ना पहुँचे इसलिए यहाँ पे अन्य वाहनों का प्रवेश भी वर्जित किया गया है। जो बैटरी से चलने वाले पिंक ऑटो वगैरह हैं यही ज़्यादा चलते हैं, जिन्हें अधिकांश यहाँ की महिलाएं चलाती हैं, इसलिए इनका सबका जीवन स्तर भी काफ़ी ऊपर आया है। यहाँ इस आदिवासी बेल्ट में इन लोगों को जो रोज़गार मिला है वो नौकरी की कक्षा में तो नहीं आता है, लेकिन इस पूरी आदिवासी बेल्ट का जीवन स्तर इससे अवश्य ही ऊंचा आया है। हम जंगल सफारी पहुंच गए हैं, इसके सामने हमारे गुरुजी विशाल एकता भव्य और वाणी श्री खड़े हुए हैं, उनका ये चित्र लिया गया है। अब हम इससे आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि सब लोग साथ में हैं इसलिए एक चित्र हमारा भी यहाँ बनता था। यहाँ एक यह भव्य गेट बनाया गया है जिस पे ऊपर गुजरात जिसके लिए जाना जाता है, गिरी का शेर उसका चित्र है, मंकी वगैरह बैठे हुए हैं। हम अगर अंदर प्रवेश करते हैं तो गुजरात वन विभाग का ये बोर्ड है और सामने हम देख सकते हैं टिकट से लिखा हुआ है, यहाँ से हम जंगल सफारी में अंदर जाने के लिए टिकट लेंगे, जो टिकट पर पर्सन 200 रुपये की है। चलिए आप भी हमारे साथ जंगल सफारी का आनंद लेने। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेकिन बहुत ही प्यारा सा झरना जैसा बनाया हुआ है, इसके अंदर फोटोग्राफी हो सकती है और ये देखने में बड़ा ही किसी 5-स्टार होटल से भी अच्छा। पूरा जो परिसर है वो नीट और क्लीन है, लोग बाग यहाँ बैठ करके अपना आनंद लेते हैं, सारी जन सुविधाएँ और सभी। यहाँ यह है पीपल के 2 पेड़ों के आसपास बहुत बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। आप जंगल सफारी जाते हैं तो उससे पहले अगर आप थक के आए हैं तो विश्राम कर सकते हैं, या जंगल सफारी से वापस आने के बाद यहाँ प्राकृतिक वातावरण में बैठ के विश्राम करना बड़ा ही आनंददायी है। यहाँ मुझे एक अवसर मिला है तो मैंने अपने सौभाग्य को समझते हुए अपने गुरुजी के साथ एक सेल्फी ली है। आप भी इसमें हमारे गुरुजी डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं। इस चित्र में हमें गुरुजी की पुत्री एकता, जिसको मैं भी अपनी बेटी मानता हूँ, हमारे दामाद विशाल और उनका पुत्र भव्य जिसको हम कुकू कहते हैं, और पुत्री वाणी श्री जिसको प्यार से पीकू कहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। हमने जंगल सफारी में प्रवेश कर लिया है जैसा कि सभी जगह होता है।
आसपास से नेट लगा करके, बड़ी बड़ी जाली ऊंची लगा करके, तरह तरह के ये पिंजरे बनाए गए हैं, जिसमें किसी में लेपर्ड, किसी में चीता और किसी में अन्य प्राणी हैं। यहाँ अच्छी सी डिजाइन और अच्छा सब कुछ तैयार किया गया है, जो देखने में आँखों को आनंद देने वाला है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सुविधा प्रदान की गई है। जो आप 200 रुपए की टिकट लेते हैं, उसमें यह सुविधा भी मिलती है कि आप इन वाहनों में बैठ करके जंगल सफारी की यात्रा पूरी कर सकते हैं, और इसी में बैठ करके हम भी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। चलिए, हम इसमें बैठ गए हैं और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो प्राकृतिक वातावरण है, वो हमारे मन को आकर्षित करता है। यहाँ पे गेंडा है, जो हम यहाँ चिड़ियाघर में पहुँचे हैं, और ये चिड़ियाघर का आनंद है। बहुत बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ है, जो चारों तरफ ऊपर नेट से बंद है, और इसके अंदर आप तरह तरह के पक्षियों का आनंद ले सकते हैं। ये ऊपर देखिए बैठे हुए हैं, वो देखिए मोर डांस कर रहा है, यहाँ नृत्य करता हुआ मोर भी आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे पक्षी यहाँ पे विद्यमान हैं, कुछ यहाँ ऊपर बैठे हैं, कुछ यहाँ नीचे मोर अपना नृत्य कर रहे हैं। ये देखिए बड़े प्यारे प्यारे पक्षी हैं, इनके कलर के हिसाब से, इनके कलर कॉम्बिनेशन, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ईश्वर की संरचना, उस ईश्वर की संरचना को कोई भी पहुंच नहीं सकता है। लेकिन उसके साथ ये इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का जो मोदी जी ने ये बनाया है, ये भी एक, जिस किसी भी ऑफिसर ने उनको ये सजेशन दिया है, और उसके बाद ये जनरली चिड़ियों को लोग बाग पिंजरों के अंदर बंद रखते हैं, और वहाँ चिड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि एक इतना बड़ा पिंजरा है कि वो बाहर भी जा नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें बंद जगह पे वो हैं इस प्रकार का एहसास नहीं है, तो वो अपना पूरा पूरा आनंद ले पाते हैं। देखिए आप यहाँ पे इन्होंने घोंसला भी बनाया हुआ है, हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। इस जगह पे जो है इसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है, और ये खजूर का पेड़ जैसा है, और उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा है। आप यहाँ अगर देख पा रहे हैं तो अपना सिर हिला रहा है उसके पैरों के पास में। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं, इनको जो प्राकृतिक वातावरण मिल रहा है, और फिर भी हम जैसे उनको देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। और देखिए इस जगह भी यही स्थिति है, ये जो है यहाँ पे ये दो बच्चे कितनी मस्ती में मस्ती कर रहे हैं। तो ये जो है ये बड़ा ही सुंदर दृश्य है, और ये इनके लिए जो खड़ी की गई सुविधा है, ये बड़ी ही उत्तम है। यहाँ इनके लिए तालाब है, जिसमें मछलियाँ भी हैं, जिसमें इनके लिए जो चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं। तो जब पानी में घूमना है तो पानी में घूमते हैं, जब बाहर घूमना है तो बाहर घूमते हैं, और ये संभवतः ऊंचे आकाश की उड़ान तो नहीं भर पाते हैं, लेकिन फिर भी इनको अपनी उड़ान भरने में कोई पिंजरा बाधक ना बने। देखिए कितने प्यारे दो कबूतर हैं। यहाँ पे सारस भी विद्यमान है, यहाँ बहुत सारी प्रजाति बतके हैं, बहुत सारी प्रजाति के पक्षी यहाँ पे विद्यमान हैं। और इसके बीच जब आप इस पूरे जंगल के बीच में यहाँ से वहाँ घूमते हैं, तो आपको भी एक
विशिष्ट आनंद की प्राप्ति होती है। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद रंग का मोर है यहाँ पे, जिसको आप वाइट पीकॉक कहते हैं, वो भी यहाँ पे विद्यमान है। लंबे लंबे इसके पंख हैं। ये बात सही है कि मोर अपने रंग बिरंगे कलर के लिए जाना जाता है, लेकिन ये चांदनी सा सफ़ेद जो मोर है, ये भी कम आकर्षित करे ऐसा नहीं, बड़ा प्यारा है। ये एक सुंदर सा पैरोट है, देखिए एक यहाँ भी बैठा हुआ है। ये कुछ हमारे पास से अपेक्षा रखते हों, इस प्रकार से एकदम हमारे पास तक आ गए हैं। यहाँ जहाँ लोगों का आना जाना रहता है, ये रास्ता है, उसके पास ही आकर के ये बैठ गए हैं। यहाँ बोर्ड लगा करके और सभी प्राणियों के नाम भी दिए गए हैं। ये रोजी पेलिकन का नाम है, इस सुरम्य वातावरण में बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ पे ये आप मृग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, इनके छोटे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चों का। वो हमें स्टैचू की तरह खड़ा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो स्टैचू नहीं है, वो वास्तव में प्यारा सा एक बच्चा है। चिड़ियाघर का अंदर से आनंद लेने के लिए हम उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में से उतर गए थे। यहाँ फिर बस स्टैंड बना हुआ है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आते रहते हैं। इनमें बैठ करके आप अपनी आगे की यात्रा फिर प्रारंभ कर सकते हैं। पेंट करवाया है तब ये वाइट है, ओरिजिनल वाइट है, बताओ वाइट ब्लैक। जब मैं हिमालय गोमुख गया था तब ये सफ़ेद मृग वहाँ देखने को मिले थे। इस समय इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की वन सफारी में भी आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ जिसको ब्लैक और वाइट भी है, बहुत सारे ये गुजरात की विशेषता है, कच्छ के और इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको भी यहाँ पे सफारी में रखा गया है। ये ऐसे मृग हैं जिनके शरीर के ऊपर बाकायदा स्पॉट होते हैं, चित्तल मृग बोलते हैं। गुजरात जिनके लिए जाना जाता है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आराम कर रहा है, एक यहाँ पे ये बिल्कुल लकड़ी के तने के पास आराम कर रहा है। इसके परिवार के कुछ मेंबर्स जो हैं इस पेड़ के पीछे, और दो लोग यहाँ पे ये विश्राम कर रहे हैं। हमने यहाँ से जंगल सफारी की यात्रा शुरू की थी, यहाँ हम वापस आ गए हैं। आप एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन देख सकते हैं, इस स्क्रीन पे यहाँ कुछ शो भी दिखाए जाते हैं और यहाँ आराम से बैठा जा सकता है। क्योंकि अब हमारे स्लॉट का समय हो गया है, इसलिए हम यहाँ से वापस प्रस्थान कर रहे हैं। हम जंगल सफारी तक गए तो पिंक ऑटो में थे, जिसका हमें किराया देना पड़ा था, लेकिन जब वहाँ से वापस आने का निर्णय किया तो हमने एक बस में हम सब लोग बैठ गए और बस के माध्यम से हम पुनः उसी पॉइंट पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है वहाँ करके पहुँच गए हैं। और अब हम जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको आप अगली वीडियो में देख पाएंगे। धन्यवाद।